नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सरकारी ऑफिस में जाने के बाद में बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं, ऐसी कई शिकायतें हम तक आती हैं। आज हम जो आपको खबर बताने वाले हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। इस खबर की एक एक एपिसोड में हम अहम जानकारियाँ आप तक लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। आज हम माइंस की बात कर रहे हैं। WCL नागपुर एरिया का गोंडेगांव और कामटी माइंस जो काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पाद करता है कोयले की। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें जो भ्रष्टाचार जो सामने होती है, ज़्यादातर माइंस की हम बात करें जनरली, तो OB का जो डंप प्रपोज साइट होता है जहाँ पे डंप करना होता है, उसके लोकेशन चेंज करने में एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है। दूसरी कि आपने सुना होगा कि किसी भी काम के लिए एक टेंडर किया जाता है, टेंडर प्रक्रिया है। टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टेंडर जिसमें कोई भी बिड कर लेता है और एक लिमिटेड टेंडर। अब इस टेंडर में, ये सिविल डिपार्टमेंट का जो टेंडर है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप देखेंगे, हम आपको आने वाले समय में बताएंगे किस तरीके से लिमिटेड टेंडर, जो ऑफलाइन जिसे कह सकते हैं आप साधारण भाषा में, उसमें लोग किस तरीके से जो बिड करते हैं, कितने परसेंट पे बिलो जाते हैं, और वहीं ऑनलाइन टेंडर उस पर कितने परसेंट पे लोग बिलो करते हैं और इतने परसेंट पे काम कर लेते हैं और कैसे करते हैं, और इसमें किस अधिकारी का बड़ा रोल है, वो भी हम आपको आने वाले समय में बताएंगे कि आखिर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ करने वाले भ्रष्टाचारी कौन है और आखिर उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्लांटेशन में, गोंडेगांव सब एरिया और कामटी सब एरिया दोनों मिला के देखा जाए तो 1.5 लाख प्लांटेशन पिछले 2 सालों में हुए हैं। 1.5 लाख प्लांटेशन, ये देखना है कि आखिर हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं और कितने अभी वहाँ पे जीवित हैं। हालांकि ये प्रक्रिया सिविल डिपार्टमेंट होते हुए ही गुजरती हैं और सूत्र बताते हैं कि ये प्लांटेशन करने का काम मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया है। वहाँ पे कोई नागवंशी है जो काम करते हैं, उनको हमने बार बार फ़ोन भी किया लेकिन वो फ़ोन फिलहाल उठा नहीं रहे हैं, और इसलिए हम बताएंगे कि आखिर गोंडेगांव या कामटी में कौन से अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त होंगे। इसके बाद जो सबसे मार्मिक है, वो लेबर जो काम करते हैं उनके PF में एक बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। उनका मिनिमम वेजेस क्या है, उनको कितना मिलना चाहिए, उनको कितना PF देते हैं, और यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार कितने PF की चोरी करते हैं और PF किन किन लोगों को देते हैं। काम कोई और कर रहा है, PF कोई और ले रहा है, उसको जो वर्कर काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, गरीब मजदूर को कितना देना चाहिए, उसको कितना दिया जा रहा है, और आखिर इसमें अधिकारी क्या कर रहे हैं। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं से एक दूसरे से लिंकअप है। ये सिर्फ एक प्रोमो है, आने वाले समय में हम आपको एक एक एपिसोड की गहन अध्ययन करके और सारी जानकारी हम देंगे। यानी कि आने वाले एपिसोड में अहम खुलासे होने वाले हैं। हो सकते हैं कई ठेकेदार के नाम आ जाए, हो सकते हैं कई ऑफिसर्स के नाम आए, ऑफिसर्स का नाम आना तो तय ही है, हो सकते हैं कुछ इसमें पॉलिटिकल जो नेता लोग होते हैं उनके भी नाम आ सकते हैं, किसी के भी नाम आ सकते हैं। खैर, आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि जो लोगों की समस्याएं होंगी इन संबंधित वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि हम उनकी चीज़ों को और बेबाक तरीके से आप तक लेकर आ सकें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे, सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।